नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आज बसंत पंचमी है, यानी माघ महीने की शुक्ल पंचमी का वो दिन जब माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। कई प्रकार के मनमोहक फूलों से धरती प्राकृतिक रूप से सवर जाती है। खेतों में सरसों के पीले फूलों की चादर बिछी हुई नजर आती है और कोयल की कूक से दशों दिशाएं गूंज उठती हैं। बसंत पंचमी को माँ सरस्वती का दिन माना जाता है। आइए आपको बताते हैं, आखिर बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म में प्रचलित कथा के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती की संरचना की थी। ब्रह्मा जी ने ऐसी देवी की संरचना की जिनके चार हाथ हैं। एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे हाथ में माला और चौथे हाथ में वर मुद्रा धारण किया हुआ है। ब्रह्मा जी ने देवी को वीणा प्रदान किया, जिसके बाद संसार में मौजूद सभी चीज़ों में स्वर आ गया और इसी वजह से उन्होंने सरस्वती माँ को वाणी की देवी का नाम दिया। इस वजह से माँ सरस्वती को ज्ञान, संगीत और कला की देवी कहा जाता है। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।